हॅलो हॅलो अपूर्वा, मी पोहोचेन आता स्टेशनला. कुठे आहेस तू? लेट होईल. काय फालतूगिरी आहे यार, तुझं ना नेहमीचं झालंय. नाही, तू काहीच बोलू नकोस. मुळात तू खूप इररिस्पॉन्सिबल आहेस. तुला कधीच वेळेवर यायला जमणार नाहीये, कंटाळलोय मी तुला. आता मला काम नव्हते नाहीत म्हणून मी वेळेवर आलोय ना. बेटा यहाँ पे बेटा आ जाओ. कितनी देर से खड़े हो? आ जाओ बैठो यहाँ पे. आ जाओ बैठो बैठो. ओ चची, ये वाला देखा ना? ये ले लो, अच्छा है. कितने का दिया ये? ये 20 का है. 10 अगर दीजिए ना. अरे नहीं परवड़ता है. हाँ तो फिर हमको भी नहीं परवड़ता है. क्या है ये? जी मुझे एक सवाल पूछना था, पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा पूछो. दो वक्त का खाना भी निकलता है इसमें? अकेले इंसान को खाने के लिए जितना पैसा लगता है ना, उतना तो मैं कमा लेती हूँ. मैं समझा नहीं. 1.5 साल पहले जो दादर में बम ब्लास्ट हुआ ना, उसमें मेरा सब कुछ चला गया, सब खत्म. मेरा मर्द, मेरा मुन्ना, सब खत्म हो गया. मेरे मुन्ने को ना पढ़ाई का बहुत शौक था. वो हमेशा कहता था मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा. उसके ही पढ़ाई के लिए हम 1-1 रुपया जमा कर रहे थे. पर क्या सिर्फ ये बेचकर आप इतना पैसा कमा लेती? और ये सब आपने कितने में खरीदा था? मैंने जब ये पहली बार खरीदा ना, तो कुछ 500 की गोनी खरीदी थी. फिर मुझे इसमें फायदा भी हुआ. फिर आपने इसमें कितना कमाया? 2 साल में कुछ 1.5 लाख के आसपास होगा. कितना कमाया? मुझे पता था तुम्हें यह सुन के जरूर झटका लगेगा, पर अभी मुझे इस पैसे का कुछ भी फायदा नहीं. मैं क्या कर सकती हूँ इसका? 1 लाख का कुछ नहीं कर सकती. हाँ. आंटी जी, मैं आपकी जगह तो क्या क्या खरीदता, मैं क्या नहीं करता. बेटा तुम अभी तक नहीं समझे, मेरे पास सिर्फ पैसा है. आजकल सब सिर्फ पैसे कमाने के पीछे लगे होते और अपने लोगों को दूर कर देते, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते. और पैसे का क्या है, मतलब आज है कल नहीं, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो हम कमा ही लेते हैं. पर एक बार खोया हुआ इंसान ना कभी लौट कर नहीं आता. ए आई जरा मला पैसे हवेत. कशाला? अगं तू दे ना, बाहेर मित्र थांबलेत. नोकरी शोध जाऊन आम्ही सतत तुला उधळायला पैसे नाही देऊ शकत. बघावं तेव्हा पैसे पैसे कर. ठेव तुझे पैसे तुझ्याकडे, मला नकोय तुझे पैसे. मी जातोय. सॉरी, यावेळी खूपच लेट झाला, पुन्हा असं नाही होणार. आय एम रिअली सॉरी, प्रॉमिस. आय एम सॉरी. खरं तर तुझ्यात काहीच चूक नव्हती, माझ्या वेळेची गणितं चुकली. आय एम सॉरी.